हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द यू पी एस सी एनालाइजर तो आज हम एटीन फेब्रवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस दें प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सम ऑफ यू आर सेइंग कि आपको वॉइस बहुत लो लगती है वॉइस आपको प्रॉपरली ऑडेबल नहीं है बट आई हैव चेकड फ्रॉम माई एंड मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम लगी नहीं लेकिन अगर आपको अभी भी ऐसी प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना देन आई विल सी वॉट आई कैन डू अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर फर्स्ट पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट न्यूज़ है ये एनएससी की जो एक्स सी हैं चित्रा रामाकृष्णा अब इनके कोई एडवाइज़र थे और वो यहाँ पर हिमालय में रहते थे और उनकी कोई फिजिकल कोऑर्डिनेट्स नहीं है वो स्पिरिचुअल फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे ये सारी बातें हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है भले ही यहाँ पर आपको फर्स्ट न्यूज़ दिख रही है आगे हम चलते हैं यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है ये डिस्कस करेंगे पी ली रिमार्क्स अब सिंगापुर के पी पीएम ली उन्होंने कुछ रिमार्क्स किए अबाउट इंडिया इसके अलावा इसराइल भी था पर हम इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे इसराइल अपनी रिस्पांसिबिलिटी खुद ले इंडिया के बारे में उन्होंने क्या बोला डे आफ्टर सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर ली सेट दट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द लॉ मेकर्स इन लोकसभा हैव क्रिमिनल चार्जेस पेंडिंग अगेंस्ट दैम एंड सजेस्टिंग ए डिक्लाइन इन द कंट्रीज डेमोक्रेटिक पॉलिटी फ्रॉम नेहरूज इंडिया तो नेहरू के जो इंडिया का विजन था अगर उसके कंपैरिजन में देखें तो कंट्री में एक डिक्लाइन हुआ है हमारे हाफ ऑफ द एम जो हैं उनके ऊपर यहाँ पर चार्जेस पेंडिंग है यहाँ तक कि सीरियस चार्जेस हैं सच एज रेप एंड मर्डर तो इंडिया थर्सडे सम्मंड सिंगापुर हाई कमिश्नर साइमन वॉन्ग एंड कन्वेड इट डिसजर सिंगापुर एज अ की स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर इंडिया और दोनों ही कंट्रीज़ में काफ़ी क्लोज टाइजम बिटवीन द टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप तो यहाँ पर बहुत ही अनयूजअल होता है कि जिस कंट्री के साथ आपके इतने ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं जो कंट्रीज उनके एनवॉय को ऐसे सम्मान किया जाए लेकिन इस केस में किया गया क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर ने अपने पार्लियामेंट में कुछ ऐसे रिमार्क्स कर दिए तो मोस्ट कंट्रीज आर फाउंडेड एंड स्टार्ट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ हाई आइडियल्स एंड नोबल वैल्यूज बट मोर ऑफन दैन नॉट बियॉन्ड द फाउंडिंग लीडर्स इंड द पाइनर जनरेशन तो ये ये चेंज तो आपको पता था कि हरियाणा में एक लॉ लेकर आया गया था जो कि मैंने आपको बताया था जिसका नाम था हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट दो हज़ार बीस लेकिन इसके ऊपर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दी थी, थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टे को सेट असाइड कर दिया है तो सेटिंग असाइड प पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ऑर्डर ग्रांटिंग एन एंड स्टे ऑन अ हरियाणा लॉ प्रोवाइडिंग सेवेंटी फाइव परसेंट रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स तो बेसिकली ये था कि जो हरियाणा के यूथ हैं उनको यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में जो सेवनिटी फाइव परसेंट जॉब्स हैं वो उनके लिए ही रिजर्व होंगे लेकिन हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने स्टे को हटा दिया है और वापस एक किसको सोना जाएगा तो द लॉ इफेक्टिव जनवरी फिफ्टी प्रोवाइड सेवेंटी फाइव परसेंट रिजर्वेशन द प्राइवेट सेक्टर टू जॉब सीकर्स हुआ डोमिसल इन इन हरियाणा बाकी इंडस्ट्री एसोसिएशन ने इसको चैलेंज किया था क्योंकि इसकी वजह से उनका जो बिजनेस है वो यहाँ पर इफेक्ट होगा और लेस कॉम्पिटेव हो जाएगा यहाँ पर गवर्नमेंट को यूथ को स्किल्स प्रोवाइड करने की जरूरत थी उनको इंप्लाइमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने की जरूरत थी ना कि एक लॉ लेकर आने की जरूरत थी लेकिन उन्होंने भी कुछ सोचकर ही लॉ लेकर आए होंगे अब इसके ऊपर जो भी डिसीजन आएगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे यहाँ पर हम चलते हैं यू इंडिया का ट्रेड पैक्ट हो सकता है कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो दोनों ही कंट्रीज़ में बहुत जल्दी सेपा साइन हो सकता है So the comprehensive economic partnership agreement with the United Arab Emirates is likely to be signed on Friday at a virtual ceremony in the presence of Prime Minister and UAE Crown अब जो सेपा है इसमें डिजिटल ट्रेड एलिमेंट भी होगा जो कि इससे पहले की किसी एग्रीमेंट में नहीं था तो सी 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 ए पी ए विल इन्क्लूड ए डिजिटल ट्रेड एलिमेंट विच ऑफिशल डिस्क्राइबिंग एज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड यू ए जो है वो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है जो बाई लेटरल ट्रेड है इंडिया और यू ए के बीच में वो है फोर्टी थ्री पॉइंट थ्री बिलियन डॉलर लेकिन बेसिकली जो इंडिया है वो यहाँ पर डेफिसिट साइड में है क्योंकि इंडिया इम्पोर्ट ज़्यादा करता है हमें ऑयल इम्पोर्ट करने पड़ते हैं तो एक्सपोर्ट्स फॉर सिक्सटीन पॉइंट सेवन बिलियन डॉलर एंड इम्पोर्ट्स ड्रिवन बाई ऑयल पुश द बैलेंस इन फेवर ऑफ द यू ए ई एट ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सेवन बिलियन डॉलर इंडिया और यू की ये डिटामाइन uh, कर रखा है इन्होंने कि दोनों ही कंट्रीज को अगले पाँच सालों में एक सौ पंद्रह बिलिय डॉलर का ट्रेड ले जाना है तो इंडिया यू ए पर ए स्पायर टू टेक बाई लिटरल ट्रेड टू ओवर वन हंड्रेड फिफ्टीन बिलियन डॉलर विद इन फाइव ईयस इसके अलावा डिजिटल ट्रेड का चैप्टर इंक्लूड किया जाएगा ये मैंने आपको बता दिया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है इसके अलावा चैप्टर ऑन डिजिटल ट्रेड इज लाइकली टू इंक्लूड फ्रेमवर्क्स ऑन पेपरलेस ट्रेडिंग डिजिटल पेमेंट्स ऑनलाइन कंज्यूमर प्रोटेक्शन अभी जो एग्रीमेंट है ये एक तरीके का टेम्पलेट की तरह काम करेगा फॉर अदर गल्फ कंट्रीज हम बाकी भी गल्फ कंट्रीज के साथ यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो विद दिस वी कैन इवन री लॉन्च द जी सी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स नेगोशिएशन तो यहाँ पर जो हम गल्फ कॉपरेशन काउंसिल नेगोशिएशन की बात करते हैं तो इसकी वजह से उसको भी एक पुश मिलेगा तो आई होप आपको समझ आ गया यू ए इंडिया का जो ट्रेड पर सेपा साइन होने वाला है एक्रेडिटेशन कॉलेजेस का एक्रेडिटेशन होता है अपने कॉलेज में जब आप तो आपने सुना होगा कि एक्रेडिटेशन होने वेरियस पैरामीटर्स अब तो यहाँ पर, पर बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं कि एजुकेशन कैसी है परफॉर्मेंस कैसी है स्टूडेंट्स की फेल पास रेट कैसा है तो एक्रेडिटेशन अ क्वालिटी चेक एक्सरसाइज अ मल्टी लेयर्ड प्रोसेस स्टेड बाई द नाक अ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन गेट्स टू नो वेदर इट मीट्स अर्टेन स्टैंडर्ड क्वालिटी सेट बाई द एवेलुएड इन टर्म्स ऑफ करिकुलम फैकल्टी कैसे इफ्रास्ट्रक्चर कैसा रिसर्च कैसा फाइनेंशियल वेलबींग कैसी है और इसके बेसिस पे यहाँ पर कॉलेज को रैंक किया जाता है रेंजिंग फ्रॉम ए प्लस प्लस टू सी अगर किसी इंस्टीट्यूशन को डी ग्रेड किया गया इसका मतलब यह है वो इंस्टीट्यूशन अभी तक accredited नहीं हुआ है दैट अपार्ट फ्राम रिकोगनीशन अगर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूश इंस्टीट्यूशन का एक्रेडिटेशन होता है तो उससे ये फ़ायदा होता है कि उस इंस्टीट्यूशन की रिकगनीशन हो जाती है तो कोई बच्चा अगर किसी इंस्टीट्यूशन से पढ़ा और वो उसके बाद फॉरन पढ़ने जा रहा है तो वहाँ पर वो बता सकते हैं कि हाँ ये रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन है और इसका यहाँ पर एक्रेडिटेशन हो रखा है तो प्रोफेसर शर्मा सेड नाक एक्रेडिटेशन हेल्प स्टूडेंट्स गोइंग फॉर हायर एजुकेशन अब्रॉड एज मनी ग्लोबल हायर एजुकेशन अथॉरिटीज़ इंसिस्ट ऑन रिकोगगनीशन तो इससे एक तरीके की रिकग्नीशन भी मिल जाती है इसके अलावा फंडिंग लेने में आसानी होती है क्योंकि आप दिखा सकते हो कि आपका इंस्टीट्यूशन जो है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है बेस्ड ऑन द एक्रेडिटेशन जिसकी वजह से आपको फंडिंग भी प्रोवाइड हो जाती है इन्वेस्टमेंट आ जाता है लेकिन करंट और फॉर्मल ऑफिशियल्स की अगर हम डेटा माने तो बहुत कम इंस्टीट्यूशन से जिनको यहाँ पर एक्रेडिटेशन मिला है अब उसका रीजन ये है कि उनको ये डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि उनको बैड ग्रेड मिल जाए तो बैड ग्रेड के चलते वो लोग यहाँ पर एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई ही नहीं करते हैं तो ये एक प्रॉब्लम है तो अब पुअर ग्रेडिंग वुड इफेक्ट मार्केटिंग एज लॉन्ग एज एन इंस्टीट्यूशन इज नॉट एक्रेडिटेड द मैनेजमेंट कैन क्लेम दे आर इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग बट अ बैड ग्रेडिंग कैन हैव कॉन्सिक्वेंसेस लेकिन जो यू जी सी है उसने मैंडेटरी कर रखा है कि यहाँ पर हर इंस्टीट्यूशन को एक्रेडिटेशन लेना ज़रूरी है तो दिस हैपन्फ डिस्पाइट एक्रेडिटेशन हैविंग है being made mandatory through the university grants commission regulations 2012 तो so 2012, 2012 में ही mandatory कर दिया गया था लेकिन आज तक सारे institutions जो हैं वो अपना accreditation नहीं कराते हैं 2019 में UGC ने किस scheme launch की थी परामर्श ये परामर्श scheme आपको पता होना चाहिए basically इसी issue को address करने के लिए क्योंकि यहाँ पर कुछ institutions को डर लगता है कि हम अगर accreditation कराएंगे और हमारी यहाँ पर grading कम आ गई तो उसकी वजह से उनको फंडिंग नहीं मिलेगी और उनके इंस्टीट्यूशन जो होगा वो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं होगा अमंग द स्टूडेंट्स और वहां पर एडमिशन के लिए बच्चे नहीं आएंगे तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ने की थी परामर्श जिसमें जो टॉप इंस्टीट्यूश है वो यहां पर जिन इंस्टीट्यूशन को डर लग रहा है कराने के लिए उनको वो मेंटर करेंगे कि आपको कौन से पैरामीटर्स अच्छे रखने हैं ताकि आपको यहां पर अच्छी रैंकिंग मिल सके तो अंडर द स्कीम सम ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट फॉर आइडेंटीफाई टू सर्व एज मेंटर्स टू एटलीस्ट फाइव इंस्टीट्यूट एस्पायरिंग टू गेट एक्डिटेट इसमें लगभग वन सिक्सटी इंस्टीट्यूट्स ने यहाँ पर साइन अप किया था कि वो मेंटर करेंगे अराउंड थाउजेंड इंस्टीट्यूट्स अब यहां पर जो थाउजेंड इंस्टीट्यूट एक्रेडिटेशन कराने की कोशिश करेंगे तो उनको ये जो इंस्टीट्यूट है कि आपको कौन से पैरामीटर्स पर काम करना है अब वॉट आर द करेंट रूल्स फॉर एकडिटेशन अंडर द रूल्स बिफोर द न्यू गाइडलाइंस वर इशूड ओनली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि सिक्स ईयर्स ओल्ड हैं और वहाँ से दो बैच पास हो चुके हैं तो वही इंस्टीट्यूशन का एक्रेडिटेशन हो सकता था लेकिन अब यहाँ पर प्रोविजनल एक्रेडिटेशन भी हो सकता है कि अगर एक अकेडमिक ईयर भी अभी पूरा हुआ है उसमें भी आपक्रेडिटेशन करा सकते हो लेकिन वो प्रोविजनल होगा और प्रोविजनल आप दो बार करा सकते हो उसके बाद यहाँ पर आपको फाइनल एक्रेडिटेशन कराना पड़ेगा तो यहाँ पर कुछ रूल्स चेंज किए गए हैं ये नेक्स्ट है एक्सप्लेन योर मनी इसमें ये बताया गया है कि गोल्ड लोन्स तो राइस करें लेकिन आपको गोल्ड लोन क्यों नहीं लेने चाहिए क्योंकि गोल्ड लोन में आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ता है इसके अलावा जो कोलेट्रल होती है गोल्ड वो हमेशा यहाँ पर लैंडर के पास ही रहती है इसके अलावा अगर आप यहाँ पर लोन नहीं वापस कर पाए तो ऐसे में जो आपकी कोलेट्रल है वो पूरी तरीके से ले ली जाती है लेकिन जो आपको लोन मिला होता है ओवर योर गोल्ड वो तो सेवेंटी फाइव परसेंट ही मिला होता है क्योंकि यहाँ पर जो रेट है वो वेरी करते हैं तो लोन टू वैल्यू रेशो अभी गोल्ड को प्लेच करने का सिर्फ सेवेंटी फाइव परसेंट है तो यहाँ पर अगर आपका गोल्ड सौ रुपए का तो आपको सिर्फ पचहत्तर रुपये का लोन मिलेगा और ऐसे में कोलेट्रल जो है वो आपकी पूरी सौ रुपये की चली जाती है इसीलिए यहाँ पर गोल्ड लोन लेने को मना किया गया है हाईजेक बाई हिज़ाब ये हम डिस्कस करेंगे वन हैं लार्ज मेजारिटी ऑफ सेकुलरिस्ट वेमन ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट फेमिनिस्ट पोलिटिकल पार्टी अलॉन्ग विद मुस्लिम रिलीजियस एंड पोलिटिकल लीडर्स जिनका यह कहना है कि हिजाब को पहने देना चाहिए क्योंकि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है जो कि फंडामेंटल राइट है ठीक है क्लियर इन फुल थ्रोटेड सपोर्ट ऑफ द एजुटेटिंग मुस्लिम गर्ल्स दे बिलीव दट देर डिफेंडिंग द मुलिम वेमेंस कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन राइट टू एजुकेशन राइट टू फ्रीडम ऑफ चॉइस और दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ कुछ ऐसी मुस्लिम वेमन है फ्यूअर वॉइस ऑफ मुस्लिम वेमन है जिसमें कुरान में सिर्फ जो ये बताती हैं कि कुरान में सिर्फ ये लिखा गया है कि विमन को ऐसे ड्रेस करना है मॉडस्टली और डिसेंटली उसमें ये नहीं लिखा कि आपको बुरखा पहना है या आपको हिजाब पहना है तो ना इधर द हिजाब नॉट द फुल बॉडी बुरखा हैज़ एनी थिंग टू डू विद द फंडामेंटल टैनट्स ऑफ इस्लाम लेकिन बात यह है कि जो स्क्रिप्चर्स है उसको इंटरप्रेट हर कोई इंसान अपने तरीके से करता है तो बेसिकली रिलीजन एक होता है तो उसकी इंटरप्रिटेशन बहुत सारे होते हैं इसीलिए उसको फॉलो करने के तरीके बहुत सारे होते हैं तो अब फुल बेंच ऑफ द कर्नाटक कोर्ट इज नाउ सेट टू डेलीब्रेट ऑन वेदर द हिजाब इज अमंग द दसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम तो यहाँ पर रब ये है जो कुरान तो एक है लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन बहुत सारे हैं इंटरप्रटेशन बहुत सारे सिमिलरली एक रिलीजन एक ही स्क्रिप्चर होता है लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन बहुत सारे होते हैं अब यहाँ पर जो कर्नाटका कोर्ट है वो किस इंटरप्रिटेशन को ट्रू मान कर उसके बेसिस पर डिसाइड करेगी कि हिजाब एक असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं है तो सो विच वर्जन ऑफ इस्लाम विल द कोर्ट रिलाई ऑन एन रीच

बिकॉज वी हैव बीन टॉट डट गॉड वॉन्ट्स टू वेर इट इट्स माई इंडिविजअुअल चॉइस लेकिन आपको अगर ये बात बोली जा रही है कि भगवान चाहता है कि आप ऐसा करो और इसीलिए आप ऐसा करो फिर आप बोल रहे हो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है तो एक्चुअली आपकी इंडिविजुअल चॉइस नहीं है आपके थॉट को यहाँ पर पर्सुवेट करने की कोशिश की गई है तो एज मनी मुस्लिम विल टेल यू अल्लाह गिवस द फ्रीडम टू चूज तो अल्लाह आपको फ्रीडम तो दे रहा है चूज करने का कि आपको क्या चूज़ करना फिर आपको लास्ट सेकेंड लाइन ये भी बोल देंगे कि अगर आपने गलत चॉइस की लैंड इन हेल्प फायर तो बेसिकली आपको एक तरीके से वो पर्सुवेट करने की कोशिश करते हैं लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये

इसको रिपोर्ट कर सकता है अगर आपको ये लग रहा है कि ये हेट स्पीच है लेकिन गिटहब में सब कुछ कोड की फॉर्म में होता है तो इसमें नॉर्मल हम आप जैसे इंसान देखकर नहीं बता सकते कि इस कोड में क्या इसकी ट्रांसलेशन होगी तो यही एक प्रॉब्लम है तो कोड अगेंस्ट हार्म तो यहाँ पर गिटहब के बारे में बताया गया है अब गिठब में क्या है कोड डाले जाते हैं ताकि जिनको कोड में प्रॉब्लम हो वो वहाँ से लेकर हेल्प कर सके लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं जैसे कि यहाँ पर बुल्ली बाई और सुली डी बनाने में किया गया फॉर ओवर अ डेट फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप एंड यूट्यूब हैव इन द सेंटर ऑफ द कॉन्ट्रोवर्सी ओवर टाइम दे हैव डेवलप्ड इलेबोरेट सिस्टम्स जिसकी वजह से जो हार्मफुल कॉन्टेंट है वो आइडेंटिफाई हो सकता है रिमूव हो सकता है अब प्रॉब्लम गिटहब में क्या है गिटहब में सब कुछ इन द फॉर्म ऑफ कोड होता है तो इन केसेस में द कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन लैंग्वेज एलियन टू द प्लेटफॉर्म्स कॉन्टें मॉडरेटर्स दे स्ट्रगल गिट कॉन्टेंट इज कोड इट इज हाउ एवर वर्किंग टूवर्ड्स मोर सोफिस्टिकेटेड कंटेंट मॉडरेशन तो गिटहब अभी कॉन्टेंट मॉडरेशन की तरफ कर करें लेकिन अभी देखा जाए तो सब कुछ की फॉर्म में तो हम आप जैसे लोग कुछ भी देखकर उसके ऊपर पर रिपोर्ट नहीं कर सकते गेटअपेस्ट प्लेटफॉर्म इज नॉट एक्सेसिबल और लेजिबल टू एवरी वन मोस्ट सजेशन दस फॉर फोकस ऑन फाइंडिंग एंड पनिशिंग द परपेट्रेटर्स लेकिन यहां पर आप पनिश करके तो कुछ नहीं कर सकते आपको रोकने की जरूरत है कि प्रोएक्टिवली सब कुछ रुक जाए क्योंकि जो बीच का टाइम होता है उसमें तो बेसिकली वुमेन की मॉडस्टी को हार्म होता ही है ना तो उसको रोकने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए आपको प्रोएक्टिव कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है तो आर फोकस इन द शॉर्ट टर्म शुड बी ऑन फाइंडिंग अ वे टू मेक श्योर दैट एनी रिकरिंग वर्जन ऑफ दिस कोड आर ब्लॉक्ड प्रोएक्टिवली एक्टिवली बाई गेटअप तो गेटअप को कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है ताकि ये जो ऐसे कोड्स हैं वो प्रोएक्टिवली अपने आप ही यहाँ पर हट जाएं तो गेटअप नीड टू वर्क विद अ ग्रुप बीइंग टारगेटेड टुवर्ड्स एन ऑटोमेटेड डिटेक्शन सिस्टम तो यहाँ पर गेटअप को ऑटोमेटेड डिटेक्शन सिस्टम लाने की जरूरत है प्रेसिडेंट बाइडन सेट दट द पॉसिबिलिटी ऑफ रशियन इन्वेशन वेरी हाई है लेकिन रशिया का ये कहना है हम अपने ट्रूप्स को हमने पार्शली विड्रॉ कर लिया लेकिन अभी भी बाइडन को यही लगता है कि जो रशिया है वो इन्वेट कर सकता है द फायरिंग ऑफ शेल्स अक्रॉस द सीज फायर लाइन इन ईस्टर्न यूक्रेन इज सीन एज प्रोवोकेशन बाई काइव अब यहाँ पर जो यूक्रेन का कुछ एरिया है वहाँ पर रशियन प्रो रशियन सेपरेटिस्ट रहते हैं तो जिसकी वजह से यहाँ पर हो सकता है कि रशिया ऐसा बोले कि यहाँ पर जो है वॉयलेशन हुआ और हम प्रोवोक हो गए हैं और उसके बाद वो यहाँ पर इन्वेट कर दें तो ये एक प्रॉब्लम है आगे हम चलते हैं न्यूजीलैंड ने ये बोला कि वो म्यांमार के साथ फ्री ट्रेड ब्लॉक में एंगेज नहीं करेंगे क्योंकि म्यांमार में डेमोक्रेसी नहीं है और जो मिलिट्री यहाँ पर रूल कर रही है वो लोगों को लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके अगेंस्ट वॉयलेंस करती है इसीलिए वो उनके साथ फ्री ट्रेड ब्लॉक में इंगेज नहीं होंगे अब पेट्रोपोलिस जो सिटी है ब्राज़ील का वहाँ पर मर्ड स्लाइड आ गई जिसकी वजह से यहाँ पर एक सौ पांच लोगों की जान चली गई तो एन ओवर व्यू ऑफ एड मर्डस्लाइड एट मोरोडा ऑफिशीना आफ्टर पोरिंग इन पेट्रोपोलिस रेम्स एनर्जी पोस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स टू गॉट फ्री इंटर स्टेट पावर ट्रांसमिशन तो यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन की बात की गई ग्रीन हाइड्रोजन को कैसे बनाया जाता है तो रेनोएब एनर्जी से बनाया जाता है यूजिंग द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस का यूज़ करके रेनोएबल एनर्जी से बनाया जाता है ग्रीन हाइड्रोजन को और ग्रीन हाइड्रोजन का कोई भी कार्बन फुटप्रिंट नहीं होता है अब जो इंडिया है वो ग्रीन हाइड्रोजन में एक्सपोर्टर बनना चाहता है तो उसके लिए इंडिया एक ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लेकर आया है और इसके अलावा कोई भी यहाँ पर जो रेनोएबल एनर्जी प्लांट्स हैं अगर वो 2025 से पहले सेटअप होते हैं तो उनको यहाँ पर 25 सालों के लिए फ्री इंटरेस्ट पावर ट्रांसमिशन दिया जाएगा तो रिनेुएलबल एनर्जी प्लांट सेटअप बिफोर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव टू पावर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया विल गेट फ्री इंटरस्टेड पावर ट्रांस ट्रांसमिशन फॉर ट्वेंटी फाइव ईयर्स अब यहाँ पर हमारे टारगेट क्या है हमारा टारगेट ये कि फाइव मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन हमें प्रोड्यूस करनी है बाई ट्वेंटी थर्टी तो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी का पहला टारगेट ये कि हम यहाँ पर दो हजार तीस तक पांच मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करनी है दूसरी बात पावर इंडस्ट्री साइड रिनेोएबल एनर्जी प्लांट्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया प्रोड्यूसर्स विल भी गिवन कनेक्टिविटी जो भी यहाँ पर रिनुएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन उनको यहाँ पर कनेक्टिविटी दी जाएगी ग्रिड कनेक्शन दिया जाएगा प्रायोरिटी बेसिस पर इसकी वजह से हमारी डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर कम होगी क्रूड इम्पोर्ट्स के ऊपर कम होगी और इसके अलावा हम एक्सपोर्टर भी हो सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के तो आई होप आपको ये समझ आ गया और ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है और उसकी पॉलिसी में मेन पॉइंट्स क्या हैं नेपाल फर्स्ट नेशन टू डिप्लॉय इंडियाज़ यूपीआई तो नेपाल यहाँ पर पहला नेशन बन गया जो कि इंडिया के यूपीआई सिस्टम को डिप्लॉय करेगा तो नेपाल विल बी द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडिया यूपीआई सिस्टम विच विल प्ले अ पिविटल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द डिजिटल इकोनीम ऑफ द नेबरिंग कंट्री आई होप आपको आज का न्यूजपेपर समझ आ गया हो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब